अगर आप ड्रिल कर रहे हैं तो आपका सीपीयू डैमेज नहीं होगा, क्योंकि रैम के ऊपर का पार्ट भी एनसी होता है। और यहाँ पे भी देखिए तो ग्राउंड और एनसी केवल दो ही पार्ट हैं, एक ये जो इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, एक ये जो इसके साथ यहाँ कनेक्ट हो रहा है। अगर इसमें से एक लाइन भी आपकी मिसिंग हुई, जिसको मैं ओपन भी बोल सकता हूँ, तो आपका एरर 9 आ जाएगा। पैड का जीआर, ये वाले इसका जीआर 750 आ रहा है। तो हम यहाँ से एक जंपर निकालेंगे और यहाँ से यहाँ पर लगा देंगे, और ठीक है, पैड आपका ग्राउंड है और 3 पैड आपके वर्किंग पैड है। अब तीनों वर्किंग पैडों की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, सो एक वर्किंग पैड को सबसे पहले एक इनपुट वोल्टेज दिया गया है VIO, जो यहाँ पर आपको पावर IC से दिया गया है PMU, ठीक है। तो आप इस कैपेसिटर पे ये वोल्टेज हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आप इस दिवाली के पावन अवसर पे एक वीडियो मैंने डाला है आईफोन 6 के यूट्यूब के बारे में, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आईफोन के, अच्छा मैं आईफोन के वीडियो जो डाल रहा हूँ, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि प्लीज़ मुझे कॉल व्हाट्सअप मैसेज मत लगाइए कि सर मुझे आईफोन पढ़ना है, क्या आप पढ़ाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आईफोन को इंटरटेन नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ। और ये मेरा इंटरेस्ट, मतलब ये मेरा बहुत इंटरेस्टेड एक सब्जेक्ट है, तो मैं इसमें काफ़ी नॉलेज इसलिए मैंने इसमें गेन किया है, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें काम करने पर। पर अगर आप मुझे मैसेज करेंगे इससे टेलीकॉम आईफोन सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है, कि दोस्तों मैं आईफोन के लिए रिलेटेड कोर्स नहीं लाया हूँ, मैं सिर्फ एंड्रॉयड पढ़ाता हूँ। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अगर कहीं पर भी आईफोन पढ़ने जा रहे हैं तो आप इस तरीके से कंटेंट लीजिए, वहाँ पर इस तरह से क्लास लीजिए, इस तरह से नॉलेज लीजिए, तो ही आपका पैसा वसूल हो रहा होगा, कोई आपका मतलब बन रहा होगा, तो ही आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और मैं ये भी कहूँगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप आईफोन मत करें, आप पहले एंड्रॉयड कर लें उसके बाद में आईफोन करें। अगर आप फ्रेशर हैं तो आईफोन को पहले बेसिक तरीके से करें और ज़्यादा CPU लेवल पर ना जाएँ। सो पहले, क्योंकि CPU लेवल पर जाकर भी कोई मतलब निकलेगा नहीं, आपका पैसा वेस्ट होगा, टीचर भी आपसे दुखी रहेगा, ठीक है। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ लॉजिक इप्रोम IC के बारे में। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बेसिक फ़ोन में, पहले आईफोन 6 में, क्योंकि अभी तो 14 प्रो आ गया है, 15 आ गया है। सो पर मैं आपको आज बताना चाहता हूँ लॉजिक इप्रोम, ताकि अगर आपका बेस लेवल क्लियर हो जाए। ये अगर लॉजिक इप्रोम आपको आईफोन 6 में I2C लाइन या एरर 9 के बारे में नॉलेज है, तो आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। पर अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, जिसमें मैं आपको डायग्राम के साथ में बता रहा हूँ कि आईफोन में एरर 9 का क्या कारण होता है, क्यों CPU को ड्रिल किया जाता है, और अगर CPU ड्रिल नहीं होता है तो उसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे उसके वे हो सकते हैं उसको बनाकर। कुछ लोग CPU के अंदर एक वायर लगाकर, हल्का सा वायर टच करके भी उसको बना रहे हैं, या कुछ लोग CPU को रिवॉल्व करके बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ क्यों हो रही है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। और लॉजिक प्रॉम को समझते हैं और I2C की लाइन को समझते हैं कि बेसिकली HDSCL की लाइन यहाँ पर कितनी इम्पोर्टेंस है। सो दोस्तों, ये आईफोन 6 का एक मॉडल है और आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको जूम करूं तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, आईफोन में दोस्तों दो तरह की इप्रोम लगी होती हैं, एक बेसबैंड इप्रोम और एक लॉजिक इप्रोम, ठीक है। सो जो मेन इप्रोम होती है वो आपकी लॉजिक इप्रोम होती है, जिसमें कस्टमर का डाटा इस तरह से होता है कि फिंगरप्रिंट लॉक और इस तरह के कस्टमर का डाटा उसमें स्टोर होता है। अगर लॉजिक इप्रोम आपसे टूट गई या निकल गई या ख़राब हो गई या डैमेज हो गई, सो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, उसको चेंज करने के बाद नहीं लगा सकते हैं। आप अगर उस पहली वाली को रीड राइट नहीं कर पा रहे हैं, सो आप उसको दूसरी लगा कर, तो आपका फ़ोन पे ऑन हो जाएगा, बट आपका कस्टमर का डाटा चला जाएगा। अगर पर आपकी बेसबैंड प्रॉम टूट गई आपसे, या आप उसको रीड नहीं कर पाए, या स्वैपिंग करने के टाइम पे उसको राइट नहीं कर पा रहे हैं, या आपसे गुम हो गई, सो आपका नेटवर्क नहीं आएगा, ये आप दिमाग में रख लीजिएगा। हो सकता है उसका भी कोई जुगाड़ हो किसी अच्छे टीचर के पास, बट बेसिकली उसका नेटवर्क दोस्तों नहीं आता है, हमको उसी का डाटा रीड राइट करना पड़ता है। पर लॉजिक प्रॉम को हम जब स्वैपिंग करते हैं तो उसको बहुत ध्यान से या तो रीड कर लेते हैं किसी टूल के साथ, बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसमें हम ये CPU निकाल के भी रीड राइट कर सकते हैं। सो बेसिकली हम इसको रीड राइट कर सकते हैं, बट
अगर हम बात करें आप उसको रीडाइट के टूल परचेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको निकाल कर चेंज कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये इप्रोम आईसी लगी हुई है, यहाँ पर ये एक चार बॉल का इप्रोम आईसी है, जैसे एक एलडीओ आईसी ऐसा दिखता है ये आईसी, यहाँ पर ये देखिए। सो यहाँ पर ये आईसी ये दिखाई दे रही है। सो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिएगा तो यहाँ पर ये आईसी आपकी लॉजिक इप्रोम और ये आईसी, जिसमें ये जो कंपोनेंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, ये रजिस्टर की वैल्यू ही इस आईसी का आउटपुट बता देती है। अगर हम इस रजिस्टर पे सबसे पहले अगर आपके फ़ोन, अगर दोस्तों अगर आपके पास फ्लैशिंग कर रहे हैं और आप आईट्यून से फ्लैश कर रहे हैं और आपको एरर 9 आ रहा है और ये आईफोन 6 है, तो आप क्या करें, आप इस जो रजिस्टर पर आप इसकी रीडिंग लें, जी आर ग्राउंड रेजिस्टेंस। सो आप इसका जी आर लें तो इसका जो जी आर होगा वो आपको 750 से, मतलब 650 से ऊपर नहीं आना चाहिए और 300 के अप्रॉक्स। तो अगर वो आपका 700 से ऊपर आ गया तो इसका मतलब ये समझें कि ये लाइन डैमेज हो रही है या ये लाइन मिस हो गई है, ठीक है। तब आप ये समझिए कि इस लाइन पर जो जी आर है वो पावर्ड से आ रहा है, 700 के ऊपर का आने का मतलब पावर्ड से जी आर आ रहा है। अच्छा, इन दो लाइन पर भी है ना आपको 1.8 देखने को मिलेंगे, तो आपको ये वोल्टेज जरूर देखना है। इस कैपेसिटर पर अलग से एक 1.8 आएगा, तो बेसिकली 3 1.8 वोल्टेज भी आपको चेक करना है। ये इसके इनपुट हैं, 2 I2C का और एक आपका अलग सा VIO वोल्टेज यहाँ पे दिया जाता है। तो ये जो IC है आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इप्रोम I2C HDL, जो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे यहाँ पर नीचे, यहाँ पर नीचे लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। और वैसे ही I2C, ये देखो AP2 IPROM, मतलब ये बेसिकली प्रोसेसर से साथ जुड़ा होता है, एप्लीकेशन प्रोसेसर, AP मतलब CPU, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँगा इस IC के बारे में तो नोटिस कीजिएगा, थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ये देखिए, वेरी गुड। सो दोस्तों यहाँ पर आप इस IC के बारे में अगर डिटेलिंग दूंगा तो आइए चलिए डिटेलिंग देते हैं, पहले आपको यहाँ से फिर बाद में आपको देंगे आपके इसके डायग्राम से। सो नोटिस कीजिएगा यहाँ पर आपको एक लाइन आ रही है PP 1.8 वोल्टेज जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये इसकी एक VIO की लाइन है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसकी एक VIO की लाइन है और यहाँ वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंस आप ये ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये लाइन यहाँ पर आ रही है, ये लाइन जुड़कर आपकी बेसिकली यहाँ जा रही है और ये लाइन जुड़ के यहाँ जा रही है, ठीक है। और ये जो दो लाइन है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये है आपकी यहाँ पर, आप इसकी फ़ोटो खींच लेना ताकि आपको ईजी पड़े, आप इसका डायग्राम बनाना चाहो तो ये लाली वाली लाइन SCL है, ये है HDA, मतलब सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा, ठीक है। और ये वाली जो लाइन जा रही है ये इसकी VIO लाइन है, ठीक है, वोल्टेज इन आउट। और ये दो इसके दो रजिस्टर हैं, ठीक है, ये पुल अप रजिस्टर हैं बेसिकली। अगर मैं बात करूं इन रजिस्टर के साथ, यहाँ पर नोटिस कीजिएगा इन रजिस्टर के साथ ये जो 1.8 वोल्टेज वाली लाइन है ये जुड़ी हुई है, अगर देखते हैं जुड़ी है या अलग से आ रही है, सो देखते हैं, ये देखिए ये जुड़ी हुई है। तो ये जो 1.8 वोल्टेज हैं ये पुल अप रजिस्टर हैं। सो आइए इसका सर्किट समझते हैं। सो देखिए ये बेसिकली इसका सर्किट निकालता हूँ, तो लॉजिक इप्रोम का सर्किट आप देखेंगे ये है। तो नोटिस कीजिए इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है। सो इसमें क्या क्या IC बनाई गई है, आइए IC की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये U03301 ये आपकी ये वाला IC, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये आपका लॉजिक इप्रोम है, ठीक है, एक रीडर, एक तरह से डाटा सेविंग, एक कोडिंग जिसमें प्रोग्रामिंग सेव होती है, कुछ कोडिंग डाटा का मतलब ये नहीं कि कस्टमर के फ़ोटोज़ हैं इसके अंदर, नहीं, वो आपकी स्टोरेज में ही होती है। सो इस IC में बेसिकली आप देखिए 1, 2, 3 आपके वर्किंग पैड हैं और एक पैड आपका ग्राउंड है और 3 पैड आपके वर्किंग पैड हैं। अब तीनों वर्किंग पैडों की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, सो एक वर्किंग पैड को सबसे पहले एक इनपुट वोल्टेज दिया गया है VIO
जो यहाँ पर आपको पावर आईसी से दिया गया है पीएमयू, ठीक है। तो आप इस कैपेसिटर पे ये वोल्टेज चेक करेंगे और इसका जीआर निकालेंगे एक सही मदरबोर्ड से या वूजिंग या ZXW की रीडिंग के हिसाब से, अगर आप कोई सा भी मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं अपने नॉलेज के हिसाब से। फिर आप नोटिस कीजिए इसी लाइन से आपको यहाँ पर दो रजिस्टर लगे हुए हैं और ये दोनों रजिस्टर पुल अप रजिस्टर हैं और आप पुल अप सर्किट को समझते होंगे। नहीं समझते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा और जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे जितने ज़्यादा लाइक आएंगे तभी बनाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं बनाऊंगा, ये भी बात समझिएगा, ठीक है। मुझे भी दीजिए ना, देखिए आपको इतना सब दे रहा हूँ। अब देखिए चलिए ठीक है, कुछ नहीं होता है, कुछ फ़ायदा नहीं है किसी पर क्या बोलेंगे तो अपने ही मुंह गंदा करेंगे, तो सीधी सी बात है आइए अपनी बात करते हैं। सो ये दो पुलअप रजिस्टर हैं, जितने ज़्यादा कमेंट और जितने ज़्यादा लाइक देंगे तो ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप नोटिस कीजिए यहाँ पर ये आपका सीपीयू है, अब सीपीयू से आपको दो लाइन यहाँ पर जा रही है। सो एक है AR31, एक है AP31। अब ये ARAP क्या है तो इसको अगर आपको बहुत और डीपली में समझना है सो इसके लिए तो क्लासेस ही आइए, मैं आपको इसको आपके हाथों से चेक करके बतवाऊँगा। हालांकि आईफोन में नहीं, एंड्रॉयड में भी हो सकता है ARAP, कुछ भी हो सकता है भाई, कितना बड़ा सीपीयू होगा उतना ही ये नंबर अल्फ़ा जो जो अल्फ़ा वर्ड है ये भरते जाएंगे, ठीक है। सो एक लाइन है AP2 EEPROM या I2C, ये I2C STA SCL। सो बेसिकली इस पर भी आपको GR चेक करना है और इस पर भी प्लस वोल्टेज। सो इस तरह का कुछ सर्किट होता है AP, और बेसिकली आपका CPU से एक पैड अगर ये मिस हो जाता है तो दोस्तों क्या होता है, इस लाइन का GR बदल जाता है और ज़्यादा आ जाता है क्योंकि इस लाइन का GR इधर से आ रहा है, ठीक है। सो ये 700 से ऊपर मिल जाता है, ये आप समझिए। तो अगर मान लो हमें किसी भी लाइन पे अगर किसी भी पैड का जीआर हमें ज़्यादा आता है, जैसे एससीएल का आ रहा है, तो हमको इस लाइन से एक जंपर निकाल कर इस रजिस्टर पर, इस सिरे पे मारना पड़ता है, या जो भी ये इस लाइन पे लगा है ये रजिस्टर से इस सिरे पर। मैं इसको क्लीन करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए अगर ये वाला पैड का जीआर, ये वाले इसका जीआर 750 आ रहा है, तो हम यहाँ से एक जंपर निकालेंगे और यहाँ से यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। आइए इसको मैं बुर्नियों में भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, अगर मैं बुर्नियों को एक्सप्लेन करूँगा तो ये देखिए, ये आपकी आईसी है और ये आपकी जो है, ये देखो ये सब जगह जा रहा है क्योंकि VIO लाइन है। ये देखो रजिस्टर के दोनों ओर भी जा रहा है। और अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर ये रजिस्टर, और नोटिस कीजिएगा ये जो दो लाइन है, अगर आप इस रजिस्टर को अगर मैं बताऊँ, ये जो दो लाइन है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सीपीयू से जाकर मिल रही है, और आप देखिए सीपीयू के बिल्कुल नीचे वाले भाग में। सो आप नोटिस करते होंगे जब भी आप सीपीयू ड्रिलिंग का एक वीडियो देखते हैं किसी भी अच्छे टेक्निकल जो हैंड स्किल वाले बंदे का, तो आप नोटिस करते होंगे कि वो इतने एरिए को ड्रिल करता है, इतने पार्ट को ड्रिल करता है, और इतने पार्ट को ड्रिल करता है क्योंकि इतने पार्ट को अगर आप ड्रिल कर रहे हैं तो आपका सीपीयू डैमेज नहीं होगा, क्योंकि रैम के ऊपर का पार्ट भी एनसी होता है। और यहाँ पे भी देखिए तो ग्राउंड और एनसी केवल दो ही पार्ट हैं, एक ये जो इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, एक ये जो इसके साथ यहाँ कनेक्ट हो रहा है। अगर इसमें से एक लाइन भी आपकी मिसिंग हुई, जिसको मैं ओपन भी बोल सकता हूँ, तो आपका एरर 9 आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ काम करती हैं सप्लाइयाँ, इस तरह से काम करती हैं बेसिकली सर्किट। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगे मुझे बताएगा ज़रूर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। और मैं यही कहना चाहूँगा, आप दिल्ली पढ़ो, आप हैदराबाद पढ़ो, आप दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ो, नॉलेज इससे बेहतर मिलना चाहिए, तो ही आपके पैसा वसूल है, अदरवाइज़ आपका पैसा वेस्ट कर रहे होगे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप इंजॉइंग। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकालना हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?